हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या जिनका अप्रेंटिसशिप पूरा हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप अप्रेंटिसशिप पूरा कर चुके हैं तो उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर कैसा होता है और आप सर्टिफिकेट अपना कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे आपको। बिल्कुल यहाँ पर सर्टिफिकेट हम दिखाने वाले हैं और जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि उनको भी पता चल सके कि उनको पूरा करने के बाद किस प्रकार का सर्टिफिकेट आपके यहाँ पर मिलेगा और उसमें क्या क्या मेंशन होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर जो भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से जुड़ी यहाँ पे अपडेट होता है जॉब्स के रिगार्डिंग, उसके बारे में आपको जानकारी मिलता रहता है। साथ में टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ यहाँ पे जुड़ जाइएगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का ये ऑफिशियल यहाँ पे साइट है। और वीडियो शुरू होने का पहले कुछ बात हम यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट यहाँ पे नए हैं जिनको नेट्स के बारे में नहीं पता है तो एक बार हम जान लेते हैं। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं नेट्स के बारे में क्या होता है। देखिए, नेट्स का पूरा नाम होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जो कि आपका यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहाँ पे आता है। और ये जो है नेट्स का यहाँ पे क्या काम होता है कि जो भी यहाँ पे डिप्लोमा और यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग छात्र होते हैं उनको अप्रेंटिसशिप करवाया जाता है। और जो भी कैंडिडेट अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो उनको इस पोर्टल पे अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक आपका एनरोल का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको एज ए स्टूडेंट के रूप में अपना यहाँ पर एनरोलमेंट कंप्लीट करना होता है। और जो भी अप्रेंटिस यहाँ पर निकल के आता है तो इनका यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर वहाँ पर मांगा जाता है। और साथ में इस पोर्टल पर भी यहाँ पर जब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा तो आप जो है लॉगिन करने के बाद आपको फाइंड एस्टैब्लिशमेंट का ऑप्शन आपको होता है, वहाँ से आप क्लिक करके काफ़ी सारे अप्रेंटिस का जो रिक्रूटमेंट निकल के आता है तो आपको बोला जाता है कि आप फाइंड एस्टैब्लिशमेंट में जाके आप इस पोर्टल के जरिए आप अप्रेंटिस के लिए भी अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर उनको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना अनिवार्य होता है, डिप्लोमा और यहाँ पर जो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग छात्र होते हैं। बाकी जो ITE होते हैं उनके लिए अलग पोर्टल है apprenticeshipindia.org, तो उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले इसी का रिगार्डिंग। तो आइए, ये था आपका नेट्स के बारे में और इसका रिगार्डिंग कोई डाउट्स होगा तो नीचे आप कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिएगा। आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि आपको सर्टिफिकेट किस प्रकार से डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको लॉगिन का एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा और एक पासवर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपका जो भी आपका यहाँ पर user ID होगा वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे या अपना email ID, और जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड को डालेंगे और कैप्चा डाल के आप लॉगिन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं और देखते हैं उसके बाद कैसे डाउनलोड करना है सर्टिफिकेट। तो आप जैसे ही वहाँ पे लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ पे प्रोफाइल है यहाँ पे उन कैंडिडेट का है जिनका अप्रेंटिसशिप यहाँ पे पूरा हो चुका है। अगर आपका अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हैं या आप नए कैंडिडेट्स हैं जिनका इनरोलमेंट आपका नया हुआ है तो आपको इस तरह का इंटरफेस नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे फाइंड एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट वगैरह का यहाँ पे कुछ ऑप्शन होता है जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो ये यहाँ पे वैसे कैंडिडेट्स का प्रोफाइल है जिनका अप्रेंटिसशिप पूरा हो चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। और हम जरा सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के पहले थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे कब मिलता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि जनरली जो अप्रेंटिसशिप यहाँ पे निकाला जाता है आपको एक साल के लिए यहाँ पे आपको अप्रेंटिस करवाया जाता है। आप जिस भी एस्टैब्लिशमेंट या कंपनी से आप करेंगे इंडस्ट्री से, तो जब आपका यहाँ पे एक साल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से आपको पता होगा उसके बाद से आपको यहाँ पे नेट्स के जरिए एक आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड वहाँ पे किया जाता है। तो वो जो सर्टिफिकेट होता है आपको नेट्स पोर्टल पे यहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है और यहाँ से जो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और PDF के रूप में आप सेव कर सकते हैं, चाहे तो आप उसे प्रिंट भी करा सकते हैं। तो इस तरह से सर्टिफिकेट आपको मिलता है जब आपका अप्रेंटिसशिप पूरा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे प्रोफाइल दिख रहा होगा जहाँ पे आपको नाम और जो भी आपका इनरोलमेंट ID होगा ये आपको दिखेगा, email ID दिखेगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा। कॉन्टैक्ट नंबर क्या होता है मैं एक एक बात यहाँ पे क्लियर करते जा रहा हूँ आपको। देखिए, कॉन्टैक्ट नंबर क्या होता है कि आप जिस भी एस्टैब्लिशमेंट से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो हर एस्टैब्लिशमेंट का एक आपका कॉन्ट्रैक्ट नंबर होता है, जैसे कि आपका एक इनरोलमेंट नंबर होता है या आप उसको नेट्स ID बोलते हैं जो भी बोलते हैं, तो हर एस्टैब्लिशमेंट का हर कंपनी का भी एक आपको कॉन्ट्रैक्ट नंबर होता है। वो भी कंपनी यहाँ पर नेट्स पर जो है रजिस्टर्ड होती है एस्टैब्लिशमेंट के रूप में, एज ए एस्टैब्लिशमेंट के रूप में, तो उनको भी एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर यहाँ पर मिलता है। और जब आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सेप्ट करना होता है और उसके लिए आपको इस पोर्टल पे एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है जिसे आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होता है। और अब जैसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा तो आपका एक साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे आपको शो भी करने लगता है। आप जिस भी यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। तो ये तो इस तरह से कुछ आपका स्टेटस होता है और यहाँ पे आपका जॉब स्टेटस भी आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। इसे आप चाहें तो अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ इनरोलमेंट आपको दिखा रहा होगा कब आपका यहाँ पर इनरोल किए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि आपको सर्टिफिकेट के लिए आप यहाँ पर देखिए आपको सबसे नीचे यहाँ पर आपको राइट साइड में आप आइएगा तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा CUP का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। CUP
पूरा नाम हुआ आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी आपको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे आप डाउनलोड इट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लिंक होगा, एक आपको नंबर लिखा होता है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। और जब आपका अप्रेंटिसशिप पूरा हो जाता है, जब सर्टिफिकेट आपका नहीं आया रहता है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो आप लॉग इन करके आप चेकआउट करते रहिएगा, जैसे ही अपलोड होगा यहाँ से आपको दिख जाएगा योर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इज रेडी, क्लिक हियर टू डाउनलोड इट। तो यहाँ से आप डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं हम सर्टिफिकेट को, किस तरह का आपका सर्टिफिकेट होता है। और यहाँ पर उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आपका सर्टिफिकेट आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिखता है, आप देख लीजिए एक बार, आपको इस तरह से सर्टिफिकेट आपको दिखेगा। और ये पीडीएफ फॉर्मेट में आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दो पीडीएफ होगा आपको, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे दिया जाता है जिसका यहाँ पे नाम होता है आपको स्किल असेसमेंट आपका सीट होता है, और दूसरा या और एक जो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया होता है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको इनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर रहेगा, और जो भी यहाँ पे आप कंपनी में आप या इस्टेब्लिशमेंट में करेंगे उनका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार का आपको यहाँ पे सिम्बल आपको दिख रहा होगा, साथ में देख सकते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी यहाँ पे नेट्स का लोगो दिख रहा होगा। और एक यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा, तो मैं आपको इस लोगो के बारे में बता दूँ कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो अप्रेंटिसशिप यहाँ पे होता है तो इसके लिए आपको अलग अलग रीजन में या आपको बोर्ड बनाया गया, जैसे आपका साउथर्न रीजन हुआ, नॉर्दर्न रीजन हुआ, ईस्टर्न रीजन हुआ, तो जो भी रीजन है आपको रीजन वाइज यहाँ पे बोर्ड आपका बना दिया गया है। और ये जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है ये आपका यहाँ पे ईस्टर्न रीजन से यहाँ पे जारी किया गया है, तो यहाँ पे अलग अलग रीजन का यहाँ पे लोगो है, तो ये आपका ईस्टर्न रीजन का लोगो है। ईस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर आपका यहाँ पे कोलकाता रखा गया, वहीं पर इसका ऑफिस है। बाकी यहाँ पे नेट्स जो है ये आपका मेन हो गया, और आपको जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है आपका नेट्स पोर्टल पे ही करना होता है, बाकी जो भी काम होता है तो उसके लिए एक आपका रीजनल ऑफिस भी वहाँ पे बना दिया गया है अलग अलग रीजन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो आपको श्री यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे शो होगा, उसके बाद यहाँ पे सन ऑफ आपके यहाँ पे मदर्स का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस हैज अंडरगोन एन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एज अमेंडमेंट इन 1973 एट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत जो भी नियम और यहाँ पे है उसी के तहत अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है। और बाकी देख सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट नेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि AAI से इनका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ है। और AAI मतलब कि आपका जो भी यहाँ पे भारत में एयरपोर्ट्स है वो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए ही यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं। तो यहाँ पे एयरपोर्ट्स जो अथॉरिटी है यहाँ पे इन्होंने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किया है। साथ में यहाँ पे आप पीरियड दिख रहे होंगे, आपको एक साल का यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड है, यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम दिखेगा आप किस ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और यहाँ पे दिया गया कि प्रशिक्षण के दौरान उनका प्रगति एवं निष्पादन को अति उत्तम यहाँ पर निर्धारित किया गया है, एवं कौशल मूल्यांकन विवरण यहाँ पर संकलन है। तो एक आपको यहाँ पे जो एक आपका सेल्फ असेसमेंट आपका सीट भी इसमें अटैच किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, वेरी गुड आपका यहाँ पे असेसमेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस आपका कोलकाता, मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न रीजन का आपका हेडक्वार्टर यहाँ पे कोलकाता है। और बाकी 28 मार्च 2021 को ये सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी किया गया है, बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बताया गया है। बाकी देखिए दूसरा जो आपका PDF होगा, इसमें आप देखिए आपकी स्किल असेसमेंट आपका सीट होगा, एक तरह का आपका मार्कशीट टाइप का ये होता है जिसमें आपका यहाँ पे नाम होता है और आपका जो भी आप इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे उसका नेम ब्रांच रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको कितना दिया गया है, लीडरशिप में, और यहाँ पे मल्टीटास्किंग में, और टाइम मैनेजमेंट स्किल, और सब चीज़ें आपको इसमें दिया गया है। साथ साथ आप 8 है किसी में, 10 में 10, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब आपको इसमें दिया गया है। तो इस तरह से आपको कुछ रहेगा। और उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका डेट रहेगा और लोगो वगैरह आपको यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ आपका रहने वाला है। तो यही आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपका है। और आपका ये सर्टिफिकेट आपको कितने दिनों में आ जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देखिए कि 26 जनवरी 2021 को इनका यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे सर्टिफिकेट जो आपका आया वो आपका 28 मार्च 2021 को जारी किया गया, यानी कि आपका तकरीबन आपको दो महीने में इनका सर्टिफिकेट यहाँ पे आ गया। तो आपका यही टाइम लगता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा। सर्टिफिकेट के लिए आप जो है जो भी आपका नेट्स का यहाँ पे होगा, नेट्स के वेबसाइट पर जाके आप लॉग इन करके आप चेक करते रहिएगा, वहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड आप कर सकते हैं। बाकी लेट होता है तो उसके लिए आप मेल भी कर सकते हैं, आपका जो भी यहाँ पे रीजन होगा उसको आप मेल करके अपने सर्टिफिकेट के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वैसे ही लोग सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात आपका नहीं है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे कर चुके हैं तो इस तरह से अपना सर्टिफिकेट आप डाउनलोड आप कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप देख लीजिए आपका इस तरह का आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर होता है।
और इसे आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, और जो भी आपका रिज्यूम होगा या जो भी आपका बायोडाटा होगा उसके साथ आप इसे लगा सकते हैं। जो भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि मैंने इस एस्टेब्लिशमेंट में या कंपनी में अप्रेंटिसशिप किया है, और उसे आप प्रूफ के तौर पर आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ आपका फॉर्मेट होगा। तो ये था यहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में, और इसका रिगार्डिंग कोई अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग कोई डाउट्स होगा तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछ लीजिएगा, और साथ में इंस्टाग्राम से जुड़ के हमें कोई सवाल होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे अपडेट होता है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी वहाँ पे डाल देता हूँ जब भी समय नहीं मिल पाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी इंपोर्टेंट लिंक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन आप हो सकते हैं। तो यही था आप इन्फॉर्मेशन, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।